का दाम कितना है? RS BS3 150 तो टालेंगे जरूर। चलो मितुआ मजा आ गया, मस्ती करेंगे। बूम बम और अंकल देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं आके। क्या 3 2 1 Ishyaram Har Har Mahadev. Yo ma'am, this is your boy Doc Ma. Welcome back to my video. So इतना धूप लगा है ना तब भी बहुत खुश हुआ आज, बिकॉज कल से हम लोग का राइड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तब भी 7 दिन 8 दिन का राइड है, तो यार बहुत खुश हूँ यार मैं। और हम लोग यहाँ से जाएंगे गुरुबथन, गुरुबथन में एक दिन स्टे करेंगे। गुरुबथन के बाद आएंगे लाबा कोलीखाम, देन कालिम्पोंग में स्टे करेंगे सेकेंड डे। कालिम्पोंग टोटली घूम के उसके बाद हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में लगता है 2 दिन जैसे स्टे करेंगे, देन वहाँ से हम लोग जाएंगे मंगपू। मंगपू में स्टे करके मंगपू से भी तकदा और फुबांग ये सब है, तो मजा है यार। और एक बात है, मेरा ना बाइक का पिकअप ना बहुत घट गया है। 114 जाने से मेरा बाइक ना इतना लाउडली साउंड करता है ना, उसके ऊपर स्पीड भी नहीं। फ्यूल पंप लगा लेंगे फर्स्ट, बिकॉज रुकना नहीं चाहिए भाई, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हिल से। अमन का तो फुल सेटअप हो चुका है, फुल एकदम, उसने तो बाइक एकदम टंटना बना लिया है। अमन थोड़ा देर बाद आएगा, अमन के साथ मीट करते, उसके बाद जाएंगे फ्यूल पंप लेंगे। तो 114 स्पीड में ही खत्म हो जा रहा है स्पीड। फ्यूल पंप सेट करके देखते हैं कितना स्पीड चल रहा है, और 114 का अब तो लेने पड़ेगा ना। 168-172 जाता है ये इसका स्पीड यार RS का, और मेरा 114 स्पीड में ही खत्म भाई, खत्म हो जा रहा है। दिल से एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा होने से भी शेयर कर दीजिएगा दोस्त लोग के साथ, बिकॉज आप लोग को भी पता है मिडिल क्लास फैमिली लोग का क्या होता है यार। बिकॉज घर से कोई परमिशन नहीं है, घर से कोई अलाउ नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलता है कुछ, तो यहाँ वहाँ से अरेंज करके हम लोग कर रहे अब क्या बोले यार। तो आप लोग का ही भरोसा में हम लोग है यार, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलो अमन भी आ चुका है अब, और निकलेंगे, हेलमेट भी रेडी है, और यहाँ पे अमन का तो फुल सेटअप हो चुका है। देखो यार बाइक अच्छा लग रहा है, बाइक फुल नेकेट में थोड़ा अभी होने से बल्कि लग रहा है उसका बाइक। जाएंगे अभी बजाज शोरूम के वहाँ पे फ्यूल पंप के लिए, और कितना प्राइस पड़ रहा है क्या पड़ रहा है सब दिखा देंगे। तो आपके पास जो भी बाइक है थोड़ा तो कोल स्टार्ट रखिएगा, बिकॉज नहीं तो प्रॉब्लम दे सकता है क्या इंजन वगैरह में, आप थोड़ा केयर कीजिएगा। तो निकलते हैं यहाँ से, चलो। तो फाइनली पहुँच गए बजाज और KTM शोरूम, तो जाते वहाँ पे पार्ट्स दुकान में, यहीं पे आपका ये बजाज KTM शोरूम का लेफ्ट साइड में है गली में। तो पूछते एक बार फ्यूल पंप का कितना प्राइस है क्या है। RS फ्यूल पंप का दाम कितना है? RS BS3 नहीं, जो नया है लगता है, स्टॉक नया है ये। कितना बोले आपने? 6689 रुपीस। तो देखते यार आगे अगर 500 भी घट जाए भाई बहुत है उसमें भी यार, क्योंकि आप सभी को पता है यार प्रॉब्लम रूम हो जाएगा नहीं तो वो। तो आराम से चलते हैं, आराम से पहुँचते, आराम से दाम पूछते हैं। और बजाज शोरूम का थोड़ा आगे लेफ्ट साइड लेके सीधा आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहीं पे, इसका नाम है बजाज मोटरसाइकिल SG ट्रेडर्स, ओके, यही वाला है वो शोरूम। यहाँ पे भी बजाज का पार्ट्स टोटली मिल जाएगा आपको। तो बाइक यहाँ पे रखते हैं, आपको बजाज का कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे आइए, आप ले सकते हैं यहाँ पे आके। RS 200 का फ्यूल पंप, वही BS3 मॉडल का पुराना वाला मेरे पास ही है। गाड़ी में है क्या? हाँ, क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में? मिस हो रहा है मेरा फिजिक्स में थोड़ा, कभी कभी। तो फ्यूल पंप का लुक्स कुछ ऐसा होता है, फ्यूल पंप बिगड़ गया है, फिल्टर टाइप में कुछ है, वो भी मैं बाद में दिखा रहा हूँ, पहले खरीद ले रहा हूँ।
भीतर जाके और कितना प्राइस पड़ रहा है और क्या पड़ रहा है, तीन चीज सोच कर यहाँ पे देख ही सकते हैं। राइट का पहले ऐसा होता है और पॉकेट में पैसा भी नहीं है, 25 रुपए कम कर दिए, तो देखते हैं अब क्या होता है। लगाने तो पड़ेगा क्योंकि अभी नहीं लगाने से बाद में तो लगाने पड़ेगा, तो लगा ही लेते हैं। सामान खरीदना हो गया है यहाँ पे और हम लोग ने लिया एक फ्यूल पंप, लिया फ्यूल गैस लिया क्योंकि मीटर का वो मैंने बोला था जो फ्यूल नहीं दिखा रहा है वो मिल गया हम लोग को। पेट्रोल फिल्टर भी चेंज करना है बोल रहा है ओ भैया, तो ये भी चेंज कर लेंगे। ये तीनों मिला के हम लोग का पड़ा है 7000 जैसा पड़ गया। सो ठीक है, काम का एक चीज़ मिला सब कुछ और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा नेक्स्ट टाइम जाने के लिए भी और इस टाइम भी प्रॉब्लम ना हो, वही है अच्छे से जाएंगे, अच्छे से आएंगे। कितना स्पीड जा सकते हैं इस बार 150 तो टानेंगे जरूर, जैसे करके भी हो क्योंकि आ गया है हम लोग का फ्यूल पंप, तो मज़ा आएगा इस बार। और ये कछुआ को देखो, जब भी कछुआ जैसा चलता है। खुशी लगा थोड़ा होने से, भाई ने कर दिया सब बोल रहे हैं और ये चलाने जा रहा है, एक बार चला के देखेगा बोल रहे हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है। आपका नाम बता दीजिए। शिव ऑटो वर्क्स। ओके, ये एड्रेस कहाँ पे पड़ेगा भैया? दो माइल चेक पोस्ट। Okay. आपका हीरो होंडा शोरूम के बगल में। हाँ भैया ने एड्रेस भी बता दिया, आप आइए यहाँ पे कुछ फ्रॉडबाजी नहीं होगा आपका, क्योंकि ऑनर यहीं पे बैठा है तो ऑनर हेल्प कर देता है, तो समझ सकते हैं आप लोग। और आइए यहाँ पे सब काम हो जाएगा आपका, जो भी है यहाँ पे ठीक है, काम भी बढ़िया होगा आपका। भैया बाय बाय, हुन्छ राम्ररी बस्नु है, आउँछु नि नाम्ची नाम्ची जरुर ल। ठिक छ त ल बाय बाय। चल लो मितुआ, मजा आ गया, कमाल है भाई कमाल है, क्या कर रहे हो भाई? और ये बंदा को देखो यार, हम लोग को जाने पड़ेगा लेफ्ट साइड से, इस साइड से गली में घुसने पड़ता, और ये बंदा क्या कर रहा है, सीधा चला जा रहा है भाई। और भाई पीक तो अब देखो भाई, मस्त वाला भाई, मस्त वाला, मिस नहीं हो रहा है, अब मजा आ रहा है भाई। यही चाहिए था फिल्म में ब्रदर, क्योंकि कल का राइड तो एकदम बबाल करने पड़ेगा, मस्त वाला है एकदम बुम बम, तो ये फील चाहिए था। पे आ चुका है अभी जॉइंट का गैरेज में, अब वॉश करेंगे और फुल फिल करके अब बाइक रेडी करेंगे। बस कब खेला अबे, कल सब खेला अबे, 7 दिन के लिए कंटिन्यू भाई, फुल मस्ती करेंगे बूम बम। और अंकल देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं आके, क्या बोलो अंकल, सस्ता जोगाड़ देखो साला, ब्रश से घिस दे रहा है, देखो चेन क्या सप्पा होगा, ये चेन को मार देगा जैसा लग रहा है। अमन का खेला हो रहा है यहाँ पे ठीक है, अब मेरा टर्न होगा, अभी बाइक वॉश हो रहा है मेरा, बाइक वॉश होने के बाद उसके बाद फिर चेन में बुम्बा होगा ठीक है, चेन सफा होगा तो दैन, तो उसके बाद कल से खेला होगा। और इसको देखो कैसा करके वॉश कर रहा है साले, गुस्सा है क्या जैसा लग रहा है। ये तो भूल गया है यहाँ पे, ये लुक कुछ ऐसा करना हो गया, देखो यार वॉश हो गया और चेन का थोड़ा सफाई हो गया, तो कल का राइड तो मजा करेंगे एकदम बुम्बम। चलो बाय बाय टाटा भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फाइनली घर आ चुके हैं और फुल एकदम बाइक का तो सर्विसिंग फुल हो चुका है ठीक है, तो अब बैक पैक भी होने वाला है, थोड़ा बाकी है, तो मिलते हैं कल, मजा करेंगे एंजॉय करेंगे और हो सके तो 150 की स्पीड तो मारेंगे जरूर यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।